हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में करेंगे हम दुपट्टा पेंटिंग। कॉटन का दुपट्टा है, आपने बोला था कि दुपट्टा पेंट करके दिखाओ, तो आज दुपट्टा पेंटिंग करेंगे। फिल्बर्ट ब्रश के साथ बहुत ही आसानी से हम पेंटिंग करेंगे, आपको भी इजी लगेगा। मैं कर रही हूँ आज ग्रे कलर का दुपट्टा पेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिल्बर्ट ब्रश के साथ। ये होता है फिल्बर्ट ब्रश, जिसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड होते हैं इस तरह से। ये 2 नंबर का ब्रश है, इस तरह से ये 10, 12, 8, 6 सारे नंबर के ब्रश होते हैं। ये मार्केट से ले सकते हैं, मुझे नहीं मिले थे, मुश्किल से मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मिल जाए मार्केट से तो अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन ले लीजिए। मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हैं। पतला सा कॉटन का दुपट्टा है, ये मैंने लिया है स्पार्कल ब्लू कलर। इस तरह से हमने कलर लेना है और ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। इस तरह से ब्रश को रखना है और प्रेस करना है और ऐसे घुमा के उठा लेना है, ठीक है। ये आ गया एक बार में, अगर नहीं आता, मान लीजिए कि आपका स्ट्रोक नहीं आया पहली बार में, तो आपने जब दूसरी बार करना है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे रख के पहले हमने राइट साइड घुमाया था, अब हम लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो इसकी शेप है प्रॉपर आ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 स्ट्रोक में नहीं आएगा। इस तरह से कलर लगाया, जो राउंड ब्रश वगैरह हम जिससे पेंट करते हैं ना, फ्लावर के अंदर कलर फिल करते हैं, तो वो थोड़ा सा कलर कम लगता है, ये हल्का सा कलर ज़्यादा लगता है। लेकिन इसको ड्रॉ करके फिर इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट रखा, इस तरह से प्रेस किया, घुमाया और इस तरह से उठा लिया, ऐसे हो गया हमने सामने। तो अब अगर हमने ड्रॉ नहीं किया है, ज़रूरत ही नहीं होती इसको ड्रॉ करने की। अब इस साइड हमने रखा, प्रेस किया, घुमाया इस तरह से। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर डबल स्ट्रोक देना है तो एक बार राइट, दूसरी बार लेफ्ट, इस तरह से। देखिए एक ही बार में बन गई ना पूरी पत्ती, नहीं तो हम पहले ड्रॉ करते फिर उसको फिल करते, फिर अब बीच बीच में जगह है तो वहां पे बना देते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये बना के, ये बना के, ये बना के, इस तरह से। लेकिन इस तरह से बनाएंगे क्रॉस क्रॉस करके तो ठीक बनता है, आइडिया लग जाता है। थोड़ा आइडिया हो गया आपको, फिर से बताती हूँ, एक और कलर लेते हैं हम। ब्रश को मैंने पानी में धोया, कटोरी में मैंने पानी रखा और इस तरह से साफ किया। ये कपड़ा ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अभी मैं ले रही हूँ वाइट कलर। इस तरह से कलर लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रखा इस तरह से, ये देखिए थोड़ा नीचे से शेप नहीं आई ना, तो मैंने राइट साइड घुमाया था, अब मैं लेफ्ट साइड घुमाऊंगी इस तरह से। ये दुपट्टा है, इसके चारों कॉर्नर पे इस तरह से मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना के इसको पेंट कर रही हूं। इस तरह से अगर आपने बड़ी बड़ी पेटल्स बनानी है तो आप इस तरह से बड़े नंबर का ब्रश लीजिए, तो जब इसको रखेंगे तो इससे जो पेटल्स हैं वो बड़ी बनेंगी। ये 2 नंबर यूज़ कर रही हूँ जो मैं अब कर रही हूँ, आप 4 नंबर कर सकते हैं, 6 नंबर कर सकते हैं। ये थोड़ी फास्ट होती है पेंटिंग, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई ये बना लोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपका डिज़ाइन बन जाएगा। एक और कलर, ये ग्रे दुपट्टा है। मैं इतने कलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो मेरा सूट है उसमें 2-3 शेड हैं लाइट लाइट से इस तरह के, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लू है,
तो वो वाले सारे कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने लिया ब्लैक कलर, मैंने लगाना है ग्रे कलर, यहाँ से मैं ले रही हूँ वाइट कलर, थोड़ा और डाल लेती हूँ। जो ब्लैक कलर लेना है ज़रा सा लेना है, इतना सा लेना है, इतना सा, ज़रा सा लिया और इस तरह से ये मैंने दुपट्टा के कलर का ही शेड लगाना है, तो इस तरह से मैंने ग्रे कलर बना लिया। अभी ग्रे कलर के साथ बनाते हैं हम। तो दो मैं ले रही हूँ ग्रे, क्योंकि ग्रे सूट है जिसके साथ मैं दुपट्टा बना रही हूँ, उसमें छोटा छोटा डिज़ाइन है। ये जो कलर मैं लगा रही हूँ वो वाला, आप जो भी ड्रेस बनाएंगे उसमें अपने कलर मैच कर लीजिए, एक ही कलर के सारे फ्लावर्स भी बना सकते हैं। अभी मैं बनाऊंगी एक फ्लावर लाइट ब्लू कलर का, तो लाइट ब्लू कलर मेरे पास इस टाइम नहीं पड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं फिर से लूंगी, ये वाइट कलर पड़ा है, अभी मैंने वाइट का नहीं बनाया, ये वाइट कलर है, इसमें मैं इस तरह से हल्का सा ब्लू कलर लूंगी, यही वाला, और वाइट कलर में मिक्स कर दूंगी। ये वाला शेड मुझे चाहिए था, अगर आपको लाइट चाहिए तो इसमें वाइट डाल दो, अगर थोड़ा सा डार्क चाहिए तो इसमें ब्लू और डाल दो। फिर एक फ्लावर इसके साथ बनाएंगे। अभी मैं आपको पत्तियां भी बताऊंगी, वो भी फिल्बर्ट ब्रश के साथ ही बताऊंगी। अब मैं ले रही हूँ न्यून येलो कलर, राउंड ब्रश ले रही हूँ, कोई भी राउंड ब्रश ले लीजिए, मैंने 5 नंबर लिया है। इस तरह से थोड़ा सूख जाए, उसके बाद हल्का सा सूख जाए, इस तरह से हम बीच में कलर फिल कर देंगे। अभी थोड़ा गीला है, वाइट में मैंने किया येलो, ये मैं कर रही हूं ब्लू कलर ग्रे में। अब दोनों ब्लू बचे हैं, तो ब्लू में मैं कर रही हूं ब्लैक कलर। और जो ब्लैक है उसमें करेंगे हम वाइट कलर, बहुत गीला है, थोड़ा सूख जाए, इसमें वाइट कलर करेंगे। और ये फ्लावर्स हम चारों कॉर्नर पे बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको पत्तियां बनानी बताती हूँ, उसके लिए मैं ले रही हूँ न्योन येलो, और न्योन ग्रीन, और ब्रश मैं ले रही हूँ 10 नंबर फिल्बर्ट ब्रश। वैसे जब भी फिल्बर्ट ब्रश के साथ पेंटिंग करते हैं, राउंड ब्रश के साथ पत्तियाँ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बना के दिखाती हूँ फिल्बर्ट ब्रश के साथ कैसे बना सकते हैं। इसमें एक स्ट्रोक में नहीं आएगा, इस साइड मैंने ग्रीन कलर लिया, इस साइड येलो, इस तरह से जैसे यहाँ पर बनानी है तो ऐसे इसको रखना है और प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम पत्तियां बना लेंगे। तो ये हो गया दुपट्टा कंप्लीट, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये सेंटर में बनाया थोड़ा हैवी बंच जिसमें ज्यादा फ्लावर है, दो दो कलर के, ये वहां पे हमने 3 बनाए थे, यहाँ पे 4 बनाए हैं इस तरह से, और ये वाले दोनों कॉर्नर पे ये और एक ये। इस तरह से हमारा दुपट्टा रेडी हो गया।
तो कितना आसान था ना ये दुपट्टा बनाना, आपको भी इजी लगा होगा। आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दुपट्टा को पेंट कीजिए। अगर सूट सारा पेंट करना है तो ये वाला डिज़ाइन आप सूट पे भी बना सकते हैं, दोनों कॉर्नर्स पे बनाइए, बॉर्डर के बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। और उसी में से दो फ्लावर लेके इस तरह से अपने आर्म्स पे बनाइए और दुपट्टा पेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।